इसका ये ब्रेक फेल हो गया है। मस्त थोड़ा राइड यहाँ पे, और सामने है अटल टनल, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इतना सुंदर व्यू है। यहाँ पे पेट्रोल 99 रुपीस का है, बट यहाँ पर राइड करने में ही मजा है अगर आपको बाइक चलाना आता है। आज देखिए यहाँ पे लोग मर मर के मतलब स्नो ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं -2। केलांग 9 किलोमीटर। इंडी जरा वेस्ट बेंगल থেকে দেখছো তারা এখানে আসলে ভুট্টাটা কিন্তু খাবে মাস্ট, একদম দারুণ। भाई 950 रुपये, 950। और इस बार प्लान भी नहीं किए थे कि बाइक लेके घूमेंगे, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है, पहली बार बाइक लेके पहाड़ में घूम रहे हैं। लाइक लास्ट 8 साल से बाइक चलाता हूँ, लेकिन ये एडवेंचर पहली बार हो रहा है। और ये व्यू देखिए, बस बढ़िया है एकदम, मतलब एक नंबर, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है कि क्या बोले, मतलब बाइक लेके पहाड़ों में कभी सोचे ही नहीं थे, इस ट्रिप में तो सोचे ही नहीं थे कि होगा, और हो रहा है ये मेरे लिए बहुत ही, क्या बोले, आई कैंट एक्सप्रेस द फीलिंग। अभी उठते उठते हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट नियर सोलंग वैली, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग अटल टनल तक जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कितना क्या होता है बाइक लेके जाना। आज तो वेदर एकदम सनी है, और ये व्यू भाई, मतलब अभी आ गए हैं सोलंग वैली। कल यहाँ पर पूरा बर्फ़ से भरा था, आज देखिए कितना क्लीन है। और ये हमारा एक स्कूटी, और ये मेरा एनफील्ड हिमालयन। आज बस व्यू देखिए एकदम साफ, कल तो एकदम हालत खराब था पूरा। और वहाँ पे रोपवे भी है, लेकिन अभी बाइक लेके आए तो इसी से ही हो जाएगा मज़ा। शायद रोपवे आज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइक कहाँ पर पार्किंग लगाना है वो देखना पड़ेगा। पहले अटल टनल जाते हैं, अगर टाइम होता है तो यहाँ पर आएंगे रोपवे। वैसे 2008-10 में जब मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर बहुत सारा एक्टिविटीज़ था, लेकिन इस साल तो मतलब उतना कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन वहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी है ऊपर, और बाकी ऊपर से भी होता था, लेकिन इस बार तो दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग आ गए वापस अटल टनल के सामने, जहाँ पर हम लोग कल थे, और यहाँ पर पूरा कल बर्फ़ से भरा था। और आज देखिए उतना बर्फ़ है नहीं, लेकिन फिर भी है। लेकिन आज का वेदर एकदम शानदार है बाइक के लिए, एक्चुअली बाइक राइड के लिए। और मस्त थोड़ा राइड यहाँ पे, और सामने है अटल टनल, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इतना सुंदर व्यू है। और भाई अटल टनल के इस पर आ गए, यहाँ पर भी पूरा बर्फ़, कल तो यहाँ पर पूरा बर्फ़ से ढका था। कल हम लोग यहाँ तक आए थे गाड़ी लेके, फिर लौट गए, और यह है इधर का व्यू। बस अभी व्यू एंजॉय करते करते हम लोग जितना भी आगे हो सके जाएंगे। और अभी हम लोग अटल टनल क्रॉस करके, क्योंकि वहाँ पर पुलिस ज़्यादा रोकने नहीं देता, तो इस पार आ गए। ये है चंद्रा ब्रिज, जो इस पार को करती है कनेक्ट, वेरी इम्पोर्टेंट ब्रिज एक्चुअली। और यह है यहाँ सब, यहाँ का व्यू। भाई कितना ठंडा है भाई, हाथ पूरा जम गया। अटल टनल के अंदर हम लोग एक्चुअली रोक नहीं सकते, इसलिए और मैं हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहना था अंदर ना। अटल टनल के अंदर लगभग -65 डिग्री होगा, इतना ठंडा है अंदर, मतलब जम गया था। अभी बाहर आके वापस से ग्लव्स पहन लिए हैं, मतलब अभी तो खोल दिए वापस, लेकिन
देखिए क्या व्यू है भाई मस्त, और ये बाइक राइड एकदम मतलब फुल पैसा वसूल, ये ट्रिप का आज का दिन सबसे बेस्ट है। आप लोग अगर बाइक चला सकते हैं तो हमेशा बाइक लेके आइए, पहले मनाली तक आ जाइए बस लेके, फिर वहाँ से भाई 1200 रुपये में एनफील्ड मिलता है लेके आराम से घूमिए। चलिए अभी आगे निकलते हैं भाई, एक से एक जगह मतलब थोड़ा आगे जाते हैं और इतना बढ़िया व्यू मिलता है भाई, मतलब इतना मज़ा आ रहा है। और ये बाइक लेके मतलब ट्रिप एकदम मतलब बढ़िया हो गया, इससे बेहतर ट्रिप तो मेरे लाइफ में नहीं हुआ है। अब बस ये व्यू देखिए और यहाँ का जो ठंडी ठंडी हवा है। आज बस चाहिए था एक गोप्रो का स्ट्रैप लेके आते तो बस हेलमेट के सामने लगा के मतलब इतना बढ़िया लगता, जो मैं लाना भूल गया, एक्चुअली प्लान ही था नहीं ना, इसलिए ला नहीं पाया, नहीं तो मतलब मैं हमेशा बोलूँगा ये अगर यहाँ पर आते मतलब तो बाइक लेके घूमिए, बढ़िया लगेगा। और ऐसा वेदर लाइक इससे बेस्ट वेदर हो नहीं सकता। सही कहा है कि फोर व्हीलर कैरीज द बॉडी एंड टू व्हीलर कैरीज द सोल, बढ़िया हो रहा है एकदम। हॉस्टल जहाँ पर हम लोगों का था बुकिंग लेकिन वो कैंसिल कर दिया है। यहीं से हम लोग जा सकते हैं लेह लद्दाख तक, और अगर आप लोगों को इस तरफ आके स्टे भी करना है तो शिशु में आप लोगों को बहुत सारा होटल एक्चुअली मिल जाएगा। और ये नज़ारे मतलब यहाँ पर होटल लेना तो वर्थ इट है एक्चुअली। अटल टनल से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं, मतलब जाते जा रहे हैं, लौटने का टाइम में क्या होगा नहीं पता। अभी केलांग यहाँ से और 10 किलोमीटर शायद है, और आप एक बार नज़ारा देख लीजिए, मतलब यहाँ पर आपको लगेगा लेह लद्दाख वाइब्स ऑलमोस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा ठहरे थे, सोचे थे यहाँ पर चाय मिलेगा लेकिन अभी बहुत दूर आ गए, लेकिन चाय मैगी कुछ नहीं मिल रहा है। देखते हैं आगे ही है तंडी है एक जगह, तो वहाँ से देखते हैं अगर मैगी वैगी मिलता है तो खाएंगे, रिस्क तो लिए हैं। और पेट्रोल का भी एक चीज़ है, मतलब अनप्लान्ड एकदम आए हैं इस तरफ, अभी लौटने के बाद मतलब लौटने के वक्त पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अभी तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो थोड़ा यहाँ पर रुके हैं, यह है टांडी, सामने ही है पेट्रोल पंप, अगर देखते हैं पेट्रोल भराना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा भराएंगे तो भी लॉस है, तो देखते हैं। वो इंजन में भी ना शायद इनफील्ड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अभी इंजन लाइट ऑन हो गया है तो पता नहीं, और बाइक भी थोड़ा ऑफ़ हो जा रहा है अपने आप, तो वो एक देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा ऑफ होगा तो बैटरी डाउन हो सकता है। तो वैसे अभी यहाँ पर खाना खा के फिर आगे निकलेंगे। अभी यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है 70 किलोमीटर्स, मतलब बहुत ड्राइव किया है पहाड़ों में, 70 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गया है, और जितना आ रहा है उतना वापस भी जाना है, तो लगभग 160-170 किलोमीटर आज शायद अप डाउन होगा। देखते हैं कहाँ तक आगे जाते हैं, पहले यहाँ पर थोड़ा खा लेते हैं। चलिए अभी यहाँ से निकलेंगे, लंच हो गया है, हमारा स्लो राइडर है तो इसको पहले जाने के लिए बोल दिया, इसके बाद हम भी निकल जाएंगे। एटलीस्ट वहाँ तक झंडा गाड़ के आ सकते हैं, कभी राइडर कभी पिलियर, बट यहाँ पर राइड करने में ही मज़ा है अगर आपको बाइक चलाना आता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है उदयपुर तो बहुत दूर है, केलांग 9 किलोमीटर, बारालचला 82, बाप रे बहुत दूर है। ये देखिए यहाँ से एक्चुअली बर्फ़
पानी होके गिरता है, अभी तो ऐसा होके रखा है ये ऊपर से ऐसे। और अब तो अभी अभी हम लोग 10,800 फीट में हैं और अभी यहाँ पर काम चल रहा है तो थोड़ा रुके हैं। लैंडस्लाइड एरिया इट सीम्स। केलांग यहाँ से और 3-4 किलोमीटर होगा हार्डली, देखते हैं। आ गए हैं और यहाँ से ये बढ़िया व्यू देखिए, पूरा बर्फ से ढका पहाड़। जितना तेज ठंडा हवा चल रहा है उतना ही तेज है धूप, इसलिए वेदर एकदम मस्त। थैंक्स टू द हिमालयन, बट इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, समहाउ मैनेजिंग दैट। सामने देख ही पा रहे हैं कि ये हाइट कितना है, 10,980 फीट। अभी यहाँ से सामने ही एक पेट्रोल पंप था, बस 100 मीटर पीछे है शायद, वहाँ से थोड़ा तेल भरा लेंगे क्योंकि ये यहाँ का हाईएस्ट पंप है और लास्ट है। और अगर आप लोग केलांग में आके रहना भी चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे होटल भी है, मतलब केलांग आएगा और होटल्स भी स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर भी पहाड़ बहुत सामने है। तो हम लोग टोटल आए हैं आज 85 किलोमीटर्स और अभी बज रहे हैं 3:30। हम लोग निकले थे 10 बजे, मतलब 5.5 घंटे लग गया। अभी देखते हैं कितना जल्दी लौट सकते हैं। तो ये है एक्चुअली द लास्ट पंप IOC का और यहाँ से ले है 3:30 किलोमीटर्स और ये यहाँ का लास्ट पंप है एक्चुअली। वहाँ पर सामने लिखा है शायद, या यहाँ पर ही लिखा है लास्ट पंप। और यहाँ से हम लोगों को भी जाना है 80 किलोमीटर। यहाँ पर पेट्रोल 99 रुपीज़ का है और यहाँ पर मैं रिस्क ना लेके 1 लीटर एक्स्ट्रा भरा लेता हूँ क्योंकि पता नहीं अगर रास्ते के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो यही है हम लोगों का लास्ट पेट्रोल पंप टीला टनल। আমাদের হাফের বেশি রাস্তা মনে হয় কভার হয়েই গেল, মতলব 39,002 হয়েই গেয়া হ্যায়। মুঝকো তো লাগা থা কি বহুত টাইম লাগ জায়েগা ক্যোঁকি জানে কে টাইম মে থোড়া ফোটোজ লেকে মতলব লেতে লেতে অ্যাকচুয়ালি যা রাহা থা ইসলিয়ে উতনা টাইম লাগা থা। আবি তো মতলব কিতনা হি টাইম হুয়া হ্যায়, 1 সেকেন্ড আবি কিতনা হি টাইম হুয়া হ্যায়। আবি বস বজে 4:33 আর ওহাঁ পর স্টার্ট কিয়ে 3:30, 1 ঘন্টে মে আ গয়ে। মতলব এসে স্পিড মে আগর জাতে হ্যায় তো 2 ঘন্টে কে আন্দর হোটলি পৌঁছ জায়েগে। তো ইয়াহাঁ পর থোড়া সাইট সিইং कर लेते हैं, देखते क्या क्या है। और देख रहे हैं ना एकदम, मतलब एक वीडियो लिए है, अगर ठीक ठाक आया तो अपलोड करेंगे। वहाँ पर देख सकते हैं मैंने 70-80-90 के स्पीड से आ रहा था, तो ये एकदम अच्छा प्रोटेक्ट किया है, नहीं तो बाहर बहुत ठंड है हवा में। यहाँ पे ज़्यादातर जगह में एक्टिविटीज़ ही है और ऐसा ही जगह है चिल आउट करने का। बहुत ही बड़ा एक जगह है ओपन और यहाँ पर सब लोग खा पा रहे हैं और इधर ये सब एक्टिविटीज़ है। और वहाँ पर एक हेलीपैड था आगे, यही है ऐसा कुछ, और वहाँ ऊपर एक फॉल्स है बस। ऐसा ही कुछ है और ये शानदार व्यू। और अभी यहाँ पर टेम्परेचर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं -2 और बर्फ़ सब ऊपर है इसलिए पिघल नहीं रहे हैं। तो फिर उस वाटरफॉल तक अगर आप लोगों को जाना है तो यहाँ से इस जिप लाइन के साथ, मतलब ये जिप लाइन के साथ उस तरफ जाके फिर वो फॉल्स तक ट्रैक करना पड़ेगा। यही एक्चुअली एक
हेलीपैड है, अगर ऊपर से दिखाओ तो आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे अभी यहाँ से निकल के देखते हैं सामने कहाँ पर है शिशु ब्रिज, तो वहाँ पर जाके वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और भाई लौटने के वक्त हम लोग कितना जल्दी लौट गए, देखिए अटल टनल आ भी गया, मतलब एक घंटा लगा शिशु तक और शिशु में रुके और वहाँ से 15 मिनट में आ गए अटल टनल। और अटल टनल से हम लोगों का और आधा घंटा है एक्चुअली जाना, तो पहुँच जाएंगे होटल। तो और आज एक्चुअली लक भी बहुत अच्छा है क्योंकि इतना अच्छा धूप अभी भी खिला है। अभी कितना बजा है, लाइक 4 बजे हैं, फिर भी इतना अच्छा धूप खिला है जहाँ पर कल पूरा बर्फ़ से भरा हुआ था। तो ये एक अच्छा पॉइंट है एक्चुअली, मतलब लक अच्छा है हम लोगों का आज के दिन में। और हम लोग गए थे इस तरफ एक्चुअली शिशु के तरफ, और अगर आप लोगों को कुंसुम पास जाना है तो इस रास्ते से जाना है, लेकिन अभी यह एक्चुअली ये रास्ता बंद है। बस 7 किलोमीटर के लिए छोड़ते हैं और 9 से 4 बजे तक, अभी बज चुके हैं 5, तो इसलिए अभी रहना मतलब जाने नहीं दे रहा है इस तरफ। जब भी जहाँ भी भुट्टा देख रहा है मैं खा रहा हूँ भाई, हिमाचल का भुट्टा भाई बढ़िया होता है। अभी ये अटल टनल अभी क्रॉस कर चुका है, कल यहीं पे आए थे, ये ऊपर कल पूरा बर्फ़ से भरा हुआ था, आज बस इतना ही है। लेकिन जब भी हिमाचल आइए भुट्टा ज़रूर ट्राई कीजिए, बेस्ट है। मेनली जरा वेस्ट बेंगल तक देख चुका था, एखे आसले भुट्टा क्यों खा भाई मस्त एकदम दारू। आज देखिए यहाँ पे लोग मर मर के मतलब स्नो ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। और कल हम लोग मतलब आप देखे ही होंगे पिछले व्लॉग में क्या हाल था, इसी यही था, मतलब वो जगह यही था, ऐसा हाल था, पूरा बर्फ़ से भरा था। और आज मतलब हम लोगों का लक बहुत ही अच्छा है एक्चुअली देखा जाए तो। फाइनली अटल टनल के इस पर आ गए हैं, अभी जल्दी से जाएंगे मॉल रोड में गाड़ी दे के, फिर आप लोगों से बात करते हैं। लोग देखिए एक बार ये जो ब्रेक है, ब्रेक लीवर ही हो गया है लूज एकदम, मतलब बाइक एकदम नहीं है, मतलब कैसे बाइक देते हैं, एक दिन के लिए दिया है और इसमें ये हाल। अगर इसको लेके कहीं पर जाते 6-7 दिन के लिए फिर तो हो जाता। अभी मुझे लग रहा है कि ये डिस्क शायद ऊपर से एक्चुअली अभी आ रहे थे ना, तो शायद डिस्क हो गया है गर्म, इसके लिए ब्रेक नहीं लग रहा है। तो थोड़ा वेट करके देखते हैं और थोड़ा पानी भी देंगे, उसके बाद शायद ठीक हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर पानी डाल दिए, तो अभी ब्रेक लग रहा है, तो इस मुझे लग रहा है तो ब्रेक हो गया था गर्म, इसके लिए प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, मॉल रोड पहुँच के ये बाइक दे दिए वो लोग सर्विसिंग के लिए, उसको ले गए। और यहाँ पर ये देखिए ये KTM एडवेंचर, ये वाला एक्चुअली हम लोगों को मिला नहीं, इसका रेंट है 1500 और ये अभी ज़्यादा चला भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और एकदम नया गाड़ी है एक्चुअली। तो ऐसा था हम लोगों का राइड एक्चुअली, मतलब पहली बार हम लोगों ने पहाड़ में राइड किया और एक्सपीरियंस तो एकदम बहुत बढ़िया था। वहाँ पर बहुत ही भी बाइक के मतलब बाइक रेंटल शॉप्स है, ये मतलब ठीक ठाक था क्योंकि बाइक मेरा उतना अच्छा नहीं था। वैसे स्कूटी एकदम नया था एक्चुअली, 375 पे हम लोगों ने लिया था और 530 पीस के आसपास हम लोगों को दिया था, तो एकदम नया स्कूटी था, एक महीना भी नहीं हुआ था। लेकिन मेरा बाइक 40,000 किलोमीटर्स के आसपास था, 38,000 ऐसा, तो बाइक उतना अच्छा नहीं था, बहुत सारे पेट्रोल प्रॉब्लम्स आए थे, बाइक का फ्रंट ब्रेक भी मतलब सॉरी रियर ब्रेक एक्चुअली फेल हो गया था, तो वो एक प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन कैसे भी करके मैंने रोक लिया था। तो यही कुछ बात है, बाकी ये दुकान का लिंक और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय।